आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे नसीरपुर कट पर खड़े ट्रक में ट्रेवल्स बस घुस गई, जिसमें ड्राइवर सहित 20 लोग सवार थे। यह सभी लोग गुजरात के रहने वाले बताए गए हैं, जो कि अयोध्या दर्शन करके वृंदावन जा रहे थे। इस घटना में 3 यात्रियों की मौत हुई है और करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिनका इलाज फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है। कुछ लोगों को सैफई हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। वहीं अपर जिला अधिकारी विशु राजा ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाकर घायलों से मुलाकात की और उन्हें घर पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी की। क्या ये न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? ये घटना 54 किलोमीटर पर हुई है। इनके कारण जो है एक कैंटन में गाड़ी लग गई है फोर्स की। जी, तो क्या उसमें कितने लोग घायल हैं? क्या उसमें लगभग 17 लोग थे, 17 लोग भी घायल हैं। आगे की जानकारी अस्पताल से प्राप्त होगी। नहीं, कोई मृतक? हाँ, एक लोग मृत बताया जा रहा है। नसीरपुर थाना क्षेत्र में जो हमारा हाईवे जाता है, वहाँ पे एक मिनी ट्रैवलर का एक टैंकर खड़ा हुआ था साइड में, उस पर भिड़त से एक एक्सीडेंट हुआ है। नसीरपुर थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें लगभग 19-20 लोग थे ड्राइवर को मिला के। कुछ लोग यहाँ फिरोजाबाद में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पर भर्ती है। कुछ लोग सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। अभी तक 3 डेथ रिपोर्टेड हैं, बाकी जो लोग घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है, स्थिति सामान्य है। सरकार से कुछ मुआवजा अभी इस तरीके का कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि कोई वहां से घोषणा होती है तो उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। थैंक यू।